रुख करते हैं करौली का, जहां सपोटरा से कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा की विशाल जनसभा स्वाभिमान रैली के नाम से आयोजित की गई। विधायक मीणा ने कलेक्टर को इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले जिला मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज में मैदान पर एक सभा हुई, जहां पर बड़ी संख्या में मीणा समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग पहुंचे। सभा के वक्ताओं ने रमेश मीणा को पूर्वी राजस्थान का सर्व समाज का नेता बताया। किरोड़ी मीणा पर आरोप लगाए गए, निंदा की गई। रमेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा की शंखनाद रैली के जवाब में विधायक रमेश मीणा ने स्वाभिमान रैली को आयोजित किया था। खुद पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने यहां से मुख्यमंत्री से कहा कि वो जांच करवा लें। जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया बलात्कार लगता है, उसमें साजिश हमारी बताई जाती है। इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है सरकार को कि इस केस का सरकार खुलासा करे। यदि किरुलाल इस केस में दोषी है तो उसको सजा मिले, निर्दोष है तो सरकार उसको बरी करे, क्योंकि इस जिले में अशांति का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर डॉक्टर किरुलाल के द्वारा कीचड़ उछाला गया। इसलिए हमने एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया।